हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूं, उस देश में इतनी रहस्यमय चीजें हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जी हां, यहां पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी मौजूद है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने वाला हूं, दरअसल उस देश में आप दक्षिण से उत्तर की ओर कम्प्लीटली पैदल चलते हुए जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसी चीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इस देश में हॉलीवुड की फिल्मों की भी खूब शूटिंग होती है, क्योंकि ये है एक हिस्टोरिकल कंट्री। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये खाने पीने में एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तरह तरह का खाना और खूब सारा खाना बहुत पसंद करते हैं। ये यहाँ की प्रथा है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक यानी कि जॉर्डन के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जॉर्डन तो इस देश का शॉर्ट नेम है। जी हाँ, ऑफिशियली इसका पूरा नाम है हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, जो कि वेस्टर्न एशिया की एक अरब कंट्री है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 88वां सबसे बड़ा देश है। ये कंट्री 88,780 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ की 92% आबादी अर्बन है यानी कि शहरों में रहती है, वहीं 8% रूरल। दोस्तों, जॉर्डन अभी भी बहुत ही यंग कंट्री है और दोस्तों इस देश के लोगों की औसतन उम्र इस समय है मात्र 24 साल। वेल दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित एक अरब देश है, जिसके उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, पश्चिम में इसराइल और पूर्व और दक्षिण में सऊदी अरब जैसे देश हैं। वैसे तो ये देश कुल 89,341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जॉर्डन का इतिहास बहुत लंबा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कई सारे हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिल जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति का जिक्र बाइबल तक में किया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना पुराना है। यहाँ पर आपको हर शहर में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं देखने के लिए, जो आपको हजारों साल पीछे ले जाती हैं, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, कई अनेक कारणों की वजह से इस देश में टूरिज्म ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग इस देश की यात्रा करके आ चुके हैं और यहाँ पर ठंड के मौसम में कुछ समय बिता कर आए हैं, उनसे पूछे इस देश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि खूबसूरती के मामले में मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, इस देश में नेचुरल ब्यूटी का भंडार है। यहाँ पर रेगिस्तान तो है ही, रात में वैसे भी ठंड रहती है, साथ ही यहाँ पे पहाड़ी एरियाज भी हैं, जहाँ आपको बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या जॉर्डन एक सेफ कंट्री है भी या नहीं, क्योंकि चारों तरफ से जिस जिस तरह की कंट्री से घिरा हुआ है और जो यहाँ का पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उसे देखकर कई लोग डरते हैं इस देश की यात्रा करने से। लेकिन आपको बता दूं कि जॉर्डन पूरी तरह से एक सुरक्षित कंट्री है। हाँ, यहाँ आपको कई अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं तब होती हैं जब आप टैक्सी सर्विस लेते हैं। हालांकि यहाँ इसको लेकर प्रशासन काम पे लगी है। दोस्तों, जॉर्डन एक इस्लामिक देश है। यहाँ पर 93% सुन्नी मुसलमान, 6% ईसाई और महज 1% बाकी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह मदरसे दिख जाते हैं। यहाँ के लोग बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह ही अपने धर्म को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ के ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है और वो इसे एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जॉर्डन में फिलहाल किंग अब्दुल्ला द्वितीय का शासन है। जी हाँ, यहाँ पर शुरू से ही इस परिवार का शासन रहा है। यहाँ के लोगों के मन में अपने किंग को लेकर बहुत इज्जत है। यहाँ पर एक पत्ता भी बिना किंग के निर्देशों के नहीं हिलता। जी हाँ, कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर किंग ही सब कुछ है। जो यहाँ का किंग चाहे वही यहाँ का नियम बन जाता है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने 7 फरवरी 1999 को यहाँ शासन अपने हाथों में लिया था। दोस्तों, जॉर्डन में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक पेट्रा मौजूद है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। दरअसल पेट्रा एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, जो करीब 300 ईसा पूर्व में नबाटन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, जॉर्डन देश की राजधानी है अम्मान, जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर 13th century BC से ही लोग रहते आए हैं। आज भी इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक पुराने जमाने की चीजें देखने को मिल जाती हैं। आज भी हर दिन यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है और उसकी छाप आपको इस देश पर साफ साफ पड़ते हुए दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के पुराने बिल्डिंग्स, यहाँ के महल, सब कुछ देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। दोस्तों, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने का शौक है, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए ही है। जो लोग जॉर्डन जाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर होता है कि क्यों ना इस देश को पैदल चलते हुए एक्सप्लोर किया जाए। जी, आपने सही सुना, देश को पैदल चलते हुए एक्सप्लोर करना।
आपको बता दें कि जॉर्डन ट्रेल एक ऐसा रूट है जिसकी मदद से आप इस देश को वॉक करते हुए नजदीक से जान सकते हैं। जी हाँ, आप जॉर्डन ट्रेल की मदद से नॉर्थ से साउथ 421 माइल की जर्नी पैदल तय कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस यात्रा पर निकलते हैं। कहा जाता है कि यात्रा 40 दिनों की होती है और यहाँ के कई सारे लोकल और बाहर से आए टूरिस्ट भी पैदल ही इस देश को समझने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड के लिए जॉर्डन पसंदीदा जगहों में से एक है। जी हाँ, यहाँ पर कई सारी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। कहते हैं कि यहाँ के लोकेशन का बैकड्रॉप बनाकर हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। क्या बात है, वैसे यहाँ के लोकेशंस हैं भी फिल्मों के लायक हैं। फ्रेंड्स, जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान की बात सबसे अलग है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल देश का 40% हिस्सा रहता है। जी हाँ, यानी कि 40 लाख लोग से ज्यादा लोग इस शहर में रहते हैं। यहाँ का नजारा देखकर आपको लगेगा कि क्या शानदार तरीके से इतने सारे लोग इस खूबसूरत से शहर में बसे हुए हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज नजर नहीं आएंगे। चूंकि ये ऐतिहासिक शहर है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ वेल प्लान्ड है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जॉर्डन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जनता खाने पीने के मामले में किसी भी देश से आगे है। जहाँ ये बात भी सच है, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टेस्टी चीजें खाने को मिल जाती हैं। लोग यहाँ पर मेनली नॉनवेज खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खाने वाले देशों में जॉर्डन शामिल है। तो अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को पचाने की भी अच्छी आदत है। वेल फ्रेंड्स, जब खाने को पचाने की बारी आती है तो जॉर्डन के लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं। जी हाँ, जॉर्डन में ग्रीन टी का सेवन खूब किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर डिनर के बाद लोग नॉर्मली ग्रीन टी पीते ही पीते हैं। जो ग्रीन टी नहीं पीते वो गर्म पानी का सेवन करते हैं। ये सब यहाँ के डेली रूटीन में शामिल है। यहाँ के लोगों की यह आदत है और शायद इसीलिए यहाँ के लोग इतना खाना खाने के बाद भी फिट रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जबल उम अद-दमी जॉर्डन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 1854 मीटर है। वहीं इस देश की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है, जो 251 किलोमीटर लंबी है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी झील सी ऑफ गलीली है, 166 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कहते हैं कि इसके टॉप पे पहुंचकर आप आसपास का जब नजारा देखते हैं तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ पर भी लोकल लोग बड़ी संख्या में आते हैं और पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि जॉर्डन अरबी देश है, लेकिन यहाँ की एक खासियत भी है। जी हाँ, दूसरे अरबी देशों की तरह यहाँ पर केबल टीवी देखने पे रोक नहीं है। यहाँ के लोग अलग अलग तरह के चैनल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ही भाषाओं में चैनल मिलते हैं और वो भाषाएं हैं लोकल अरबी और ग्लोबल इंग्लिश। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल भाषा अरबी है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोग इंग्लिश समझ भी लेते हैं और ठीक ठाक बोल भी लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप कभी जॉर्डन जाएंगे तो कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, जॉर्डन के रेगिस्तान में कुछ रहस्यमयी और विशाल आकृतियां बनी हुई हैं, जो सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। इन रहस्यमयी आकृतियों को अजराक ओएसिस व्हील कहा जाता है। माना जाता है कि इन आकृतियों को करीब 8500 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। इन्हें क्यों बनाया गया था ये भी किसी को नहीं पता। इस टॉपिक पर कई सालों से रिसर्च किया जा रहा है और आज भी इसके पीछे के रहस्य के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हालांकि कई सारे लोकल लोगों का कहना है कि ये साइन किसी और प्लेनेट के लोगों को दुनिया में अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इस साइन को लेकर हर किसी की अपनी अलग ही थियोरी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जॉर्डन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये इमोशनल फूल्स नहीं होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी बहुत प्यार से बात करता हुआ नहीं दिखेगा। कहते हैं यहाँ के लोगों का ये बेसिक नेचर ही होता है कि वो किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा न तो झांकते हैं और न ही वो अलाउ करते हैं कि वो अपनी राय उनके बारे में दें। हालांकि कई लोग जो बाहरी देशों से यहाँ आते हैं, उनको इस बात को लेकर नाराजगी रहती है शुरू में, क्योंकि आपको लगता है शायद ये लोग एरोगेंट हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यहाँ के लोगों का नेचर ही है, जो कि अपनी जगह ठीक है। अच्छी बात है ना, तो किसी को परेशान करना है और नहीं परेशान होना है, अच्छी सोच है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में 100,000 आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट साइट्स मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं घूमने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी इस देश की यात्रा पर आने से बहुत सारे लोग डरते हैं। कई लोगों को लगता है कि कहीं यहाँ का माहौल अचानक ही खराब ना हो जाए और वो जॉर्डन में फंस ना जाए। हालांकि जो लोग ऑलरेडी इस देश की यात्रा कर चुके हैं, उनसे कभी पूछिए, उनके हिसाब से ये एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों ने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ का सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना है मनसाफ। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में ये डिश सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसे बनाने का तरीका भी कुछ अलग है, इसलिए यहाँ के लोग लैम्ब मीट का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही इसमें राइस डालते हैं और उसके बाद दही भी डालते हैं, और इन सबको मिलाकर मनसाफ तैयार किया जाता है। दोस्तों, जॉर्डन की करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है। आपको बता दें, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। एक जॉर्डेनियन दिनार लगभग 103 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि यहाँ की कैपिटल सिटी यानी कि अम्मान की शाम बहुत नशीली होती है। जी हाँ, यहाँ पर शाम होते ही ज्यादातर लोग आपको बार में नजर आएंगे और यहाँ के लोगों के बीच में पीने का शौक बहुत ज्यादा है।
तो दोस्तों ये था जॉर्डन, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी इस देश गए हैं और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।